हमने चिकन पाउडर डाला, नमक, वाइट पेपर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। सॉफ्टनेस के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे ब्रेड स्लाइसेस। इन दो स्लाइसेस को हमने पानी डालना है, इनको हमने इस तरीके से निचोड़ना है और चिकन में शामिल कर देना है। अब बस हमने इसको चॉपर में डालना है और पीसना होगा। थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे नगेट्स बनाते हुए, ताकि ये मिन्स आपके हाथ पे चिपके ना। नगेट्स को आप शेप दे के फ्रीज कर दें। जब फ्रीज हो जाएगा ना ये, तो उसके बाद ये डी शेप होने का चांस बहुत कम हो जाएगा इसका। बाकी यहाँ पे देख लें, ये मुख्तलिफ शेप्स हमने बना दिए। मैदा लेंगे तो एक चम्मच आपका कॉर्नफ्लोर होगा। अंडे तोड़ लें, इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और आपने इसको फेंटना है। अब इस स्टेप के बाद भी आप इसको अलग अलग ट्रे में लगा के, किसी भी एक ट्रे में लगा के बटर पेपर बिछा के आप ये रखें और आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इनको इकट्ठा करें और एक पैकेट में आप डाल के सील करके रख दें। एक टिप ये है कि अगर ब्रेड इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने इसमें मीठी ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी। आपने इसमें फीकी वाली ब्रेड होती है, दो किस्म के ब्रेड मिलती है, एक मीठी होती है, एक फीकी होती है। तो कुकिंग में जब भी इस्तेमाल करें, फीकी ब्रेड आपने इस्तेमाल करनी है। नगेट्स भी तकरीबन हमारे तैयार हो गए, इसको रखते हैं फ्रिज में। नगेट्स भी तैयार हो गए, शेप बिल्कुल अच्छा आया है।